कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन किया, जिसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने जगह जगह ट्रेनों को रोका। मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन का असर देखने को मिला। यहां नरसिंहपुर के गाडरवारा में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर आंदोलन करते हुए नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुए इस आंदोलन में किसानों ने बीजेपी सरकार के विरोध में भी नारे लगाए और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में रेल रोको आंदोलन किया गया है। रेलवे ट्रैक पर अभी हम लोग खड़े हैं और रेल रोको आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि लखीपुर में जो मंत्री के पुत्र द्वारा जो निर्दयता से किसानों को कुचला गया था, किसानों की हत्या की गई थी, उसमें उसको तो अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला। उसके साथ साथ मंत्री जी की बर्खास्ती, मतलब जो मंत्री के बेटा को अरेस्ट कर लिया गया, मंत्री को अभी बर्खास्त नहीं किया गया है। उस सभी चीज़ों को लेकर आज रेल रोको आंदोलन किया गया है और आगामी आने वाले समय में अगर मंत्री को बर्खास्ती नहीं की जाती तो गाडरवारा में लगभग 1 लाख किसानों का जो यहाँ पे अपने 9 सदस्यीय टीम वो आ रही है और विथ अपने टिकैत जी द्वारा ये सारे लोग इधर गाडरवारा में आ रहे हैं और 28 तारीख में एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी जा रही है। उसी के तहत की जो मंत्री है, मंत्री को तत्काल 102 के तहत कार्रवाई करते हुए उसको जेल में डाला जाए, इसी को लेकर एक सब कार्यक्रम रखेंगे। रेल रोको आंदोलन आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो किसानों के ऊपर लखीमपुर में जो वहाँ की योगी सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो दमन किया गया है, किसानों को जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनको मारा गया है और सरकार ने मंत्री और मंत्री के पुत्र पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है और ना ही किसानों को मुआवजा दिया गया है। इसके उपलक्ष में हम लोगों ने यहाँ रेल रोको आंदोलन शुरू किया है और ये सरकार बात नहीं मानती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में हुई किसानों की मौत के विरोध में आज किसानों ने ये आंदोलन किया। इस दौरान ट्रेन रोकने और नारेबाजी करने के अलावा किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मंत्री को जल्द बर्खास्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज प्रतीकात्मक रूप से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था, उस संबंध में पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी जो संपूर्ण हो गया शांतिपूर्ण ढंग से। लंबे समय से चला आ रहा किसान आंदोलन हर पल एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन में आगे और क्या क्या होना बाकी है। समाचार प्लस के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।